नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये देखिए सितंबर 2024 का पे स्लिप है, जीडीएस बीपीएम यानी मेरा खुद का पे स्लिप है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम भी है और स्केल 105 है, यानी हमारा 4 साल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 4 इंक्रीमेंट लगा है तो हमारा 4 साल हो गया। तो 4 इंक्रीमेंट में हमारा देखिए 13,530 रुपया मेरा TRC होता है। जब हम ज्वाइन किए थे तो 12,000 था और अभी तक Level 1 से Level 2 किया नहीं गया है, जबकि वर्कलोड दिया गया था। 1.5 साल हो गया वर्कलोड दिया हुआ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल जो एनुअल इंक्रीमेंट लगते लगते 4 साल जो हुआ है, 4 इंक्रीमेंट जो लगा है, तो 13,530 रुपया बना है 12,000 से। जिस समय हम ज्वाइन किए थे उस समय शायद 24 या 27% ऐसे DA था, अभी 50% DA हो गया है। तो DA के वजह से भी हमारा DRDS अलाउंस अमाउंट देखिए बढ़ गया है, यानी कि 13,530 रुपया हमारा बेसिक TRC है। उसके बाद उस पर 50% DA 6,765 रुपया मिला है। उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 मिला है। जब हम ज्वाइन किए थे तो उस समय हमारा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपया दिया जाता था, लेकिन आफ्टर इंस्पेक्शन ओवरसियर इंस्पेक्शन तो उनको बोले कि ऑफिस तो ठीक है लेकिन हमें 250 रुपया ही ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है। तो वो बोले कि एक एप्लीकेशन लिखो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस इन्हांसमेंट के लिए। तो हम एक एप्लीकेशन लिखे, तब से मेरा 500 रुपीज़ मिलने लगा। ठीक है, लेकिन 2020 में ही मिला था, लेकिन कुछ 4-5 महीना के बाद मिला था। तब से 500 मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। जब भी आप लोग ज्वाइन करोगे तो तुरंत आपको इसके बारे में बताना है कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हमारा बढ़ाइए सर। उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा IPO के पास, इंस्पेक्टर के पास। वो अप्रूव करके अकाउंट ब्रांच भेज देते हैं, वहाँ से आपका 500 मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें मालूम नहीं था उतना, नया नया थे, लेकिन आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। जो जानकारी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मिलेगा वो अभी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए SDBS कंट्रीब्यूशन में 300 रुपीज़ मिल कटता है। ठीक है, क्योंकि SDBS कंट्रीब्यूशन मतलब सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। देखिए GDS को कोई भी पेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ तो सहारा मिलना चाहिए जब रिटायरमेंट होता है, नौकरी से वो रिजाइन देता है या जैसे भी हो या हट जाता है। तो उस केस में SDBS कंट्रीब्यूशन में 300 रुपीज़ मान लो ज्वाइनिंग से काटा जाता है, जब से ज्वाइनिंग उसका हुआ है, और 300 कटता है। फिर डिपार्टमेंट भी 300 उसके प्राण कार्ड में जमा कर देता है। उसके लिए NPS लाइट एक है, वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्राण कार्ड के लिए। वो प्राण कार्ड आपको आ जाता है घर पे। ठीक है, तो वो भी बहुत मैंडेटरी चीज़ है, आपको करना ही चाहिए, नहीं तो 300 रुपीज़ आपका तो कट रहा है लेकिन डिपार्टमेंट भी नहीं देगा। ठीक है, आपको लगेगा 300 रुपीज़ क्यों कटाएंगे हम, लेकिन इसके चक्कर में आपका 300 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। सो आपके प्राण कार्ड में 600 रुपीज़ जमा होगा। तो ये भी बहुत मैंडेटरी चीज़ है, करना ही चाहिए। 300 कटेगा तो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा अभी पैसा। उसके बाद हमने उस समय PLI नहीं कराया था, 5-6 महीना के बाद PLI करवाया सितंबर में ही कराया था, 3-4 महीना के बाद, जून में ज्वाइनिंग हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीना के बाद हमने PLI करवाया था 895 रुपये का। तो उसमें कटता है, और EDGIS में 50 रुपीज़ कटता है। इसका आज तक मुझे समझ नहीं आया, EDGIS का कुछ हमें बेनिफिट्स भी नहीं मिला, पता नहीं किसी को मिला है कि नहीं मिला है। वो पता चला है कि उसमें इलाज उलाज कराने के लिए पैसा देता है, जब कोई GDS बीमार उमार पड़ता है, इलाज होता है, सर्जरी होता है, तो कुछ ऐसा हमें लगा नहीं, लेकिन 50 रुपीज़ कटता है तो कटता है, सबका कटता है। टैक्स 130 रुपया कटता है और यूनियन का 30 रुपीज़ कटता है। हम NUGDS में है, नेशनल यूनियन में, तो 30 रुपया मेरा कटता है उसमें सब। अगर कुछ भी डिडक्शन नहीं होता तो 20,795 रुपया हमारे सैलरी अकाउंट में आता, लेकिन इतना नहीं आता है। डिडक्शन होने के बाद 19,390 रुपया हमारा आ जाता है अकाउंट में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ समझने को मौका मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ इस तरह से पे स्लिप बनेगा, हमने जब ज्वाइन किया था तो कितना मिला और हमारा अभी कितना है, आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो कितना मिलेगा और 4 साल के बाद कितना मिलेगा, तो इस तरह का आइडिया आपको आ जाता है। और ये भी बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है कि GDS BPM को कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। तो GDS BPM को सिर्फ एक ही अलाउंस मिलता है, वो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। और GDS BPM को 12,000 बेसिक सैलरी मिलता है, बेसिक TRC है। ठीक है, कुछ लोग को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ 12,000 ही मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो 12,000 के अलावा DRDS अलाउंस मिलता है। ठीक है,
जो कि डीआरएस अलाउंस सबको मिलता है, इसलिए बोले कि बीपीएम को सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन डीए भी मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है बीपीएम को, ठीक है। ये कॉमन चीज़ था डीआरएस अलाउंस, इसलिए बोले हैं। लेकिन अगर टोटल जोड़ा जाए तो टीआरसीए, डीए और ओएमए तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ओएमए 500 मिलता है, उससे कुछ होता भी नहीं है। ऑफिस आजकल गांव घर में भी 500 रुपये हम कोई रूम देना नहीं चाहता है, कम से कम 2,000-1,500 ऐसे तो लेता ही है। तो डिपार्टमेंट को 500 से बढ़ाना ही चाहिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, क्योंकि जीडीएस बीपीएम जो भी है वो ज़्यादा रुपया में ऑफिस रेंट पे लेता है और डिपार्टमेंट बहुत कम रुपया देता है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए डिपार्टमेंट को। सिर्फ डिपार्टमेंट बोलता है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, तब जाके नाम होता है। लोग मजाक उड़ा के चला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम घटिया लेवल का है, ठीक है। सर्विस तो डाउन है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी घटिया है, लोगों को खड़े रहने बैठने में सब असुविधा होता है, प्रॉब्लम होता है। तो सैलरी के अलावा और सब चीज़ बता दिए, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, और वो चीज़ आपको लाइफ में कभी ना कभी फील करने को मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बाद बाकी सैलरी के बारे में बताएं, आप देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए, ठीक है। सेप्टेम्बर का 2024 का सैलरी हमारा, और मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2020 जून को, 2 जून को, और अभी हो रहा है 2024 सेप्टेम्बर। सब समझ गए ना।